तो यार एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं यहाँ पर स्टोन तोड़ रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा ना तोड़ फोड़ रहा हूँ क्योंकि चाहिए मेरे को कबल स्टोन। और आज के एपिसोड में हम बनाएंगे अपना घर। पिछले एपिसोड में हमने अपनी ज़मीन जायदाद को ढूंढा था, बनाया नहीं ढूंढा था, थोड़ा उसको सही किया था। और इस एपिसोड में अब हम अपना घर बनाएंगे। तो जी हाँ, लगते हैं फिर काम पे। थोड़े मैं यहाँ पर पत्थर तोड़ रहा था भी, खैर चलो। ओके गड्ढे भी बहुत थे तो पहले यार उनको बंद करो ना। तो यार घर में यहाँ पर बनाऊंगा, ये जगह मुझे अच्छी लगी, यही बेस्ट है मेरे ख्याल से। तो यहीं पे मैं अपना घर है जो बनाऊंगा। तो पहले थोड़ी जगह खाली कर देते हैं। यहाँ पर मैं प्लैंक्स लगाऊंगा। जगह खाली कर दी है, बस प्लैंक्स लगाना की है। इधर की साइड में लगाऊंगा अंग्रेजी लकड़ी। अंग्रेजी लकड़ी से मेरा मतलब यार आप मतलब समझ गए होंगे, पिछले एपिसोड में मैंने बता दिया। अब लकड़ियां तो लेनी पड़ेगी ना, खत्म हो चुकी है। Nope. लकड़ियाँ एक तो बार बार ख़त्म हो जाती है यार, अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा, फिर से लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। तो यार जॉम्बी और स्केलेटन मुझे मारने वाले थे तो मैंने उन दोनों में ही लड़ाई करवा दी, देखना अब। अरे भाई साहब, हरी हरी लाल भाई साहब आ रहे थे अपने, और तभी पीछे से यार वो आ गया स्केलेटन, उसने अपनी तीर मारी, वो तीर जाके लगी जॉम्बी को, जॉम्बी गया उसकी तरफ, जॉम्बी ने स्केलेटन की हड्डी वाली गुद्दी पे दे मारी, दोनों में भिड़ंत हो गई और इस WWE वाली फाइट में जॉम्बी जीता जिसे मैंने मारा। तुम क्यों चेयर कर रहे हो यार, तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। भाई साहब अपनी ही तीर से लुढ़क गए। तो यार अभी भूख लगी है, पहले खाना पकाने को रखा है, नहीं मतलब पक चुका है, और मैं अभी खाना पकाने को रखूँगा, तब तक भूख मिटाऊँगा, फिर मैं ये घर बनाना स्टार्ट करूँगा वापस। खाना ASMR YouTube पे करते हैं, अब मैं भी करूँगा। अभी तक काफ़ी कुछ बन गया था, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी चीज़ याद आती है जिसे देखने के बाद आप सभी कहोगे मैं अभी भी नूब हूँ माइनक्राफ्ट में। दरअसल मैंने प्लैंक्स लगाए, इनकी जगह मैं इनके आधे कर सकता था, मतलब स्लैब लगा सकता था। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ मुझे याद आई, मुझे जब भी कुछ याद आता है हमेशा लेट आता है, ये चीज़ आपने पिछले 2 एपिसोड में देख ली है। क्योंकि चीज़ ये है ना कि अगर यहाँ पर मैं स्लैब बना के लगाऊंगा तो नीचे भी आ जाएगा और ऊपर भी आ जाएगा, मतलब ऊपर के लिए भी यार व्यवस्था पहले से ही हो जाएगी। सही है ना यार, बहुत ख़राब दिमाग है मेरा, सब कुछ लेट ही याद आता है, इससे अच्छा याद ही ना आए।
भाई साहब ये सकते हो, अभी तक इतनी सारी स्लैब्स है कि ऊपर भी मैं ये लगा सकता हूँ। क्या बात है। चलो यार अपना ये काम हो चुका है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तब ये episode 3 है वैसे, लेकिन इस टाइम मैंने episode 4 और एपिसोड पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं, और दोनों मल्टीप्लेयर है किसी के साथ, एक स्पेशल प्लेयर के साथ। ना 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 ना, वो यस क्रेजी नहीं है, वो राहुल नहीं है, वो कोई और ही है। खैर राहुल के साथ देखना यार, करना है मुझे सर्वाइवल वाला। लेकिन हाँ, episode 4 और episode 5 पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं, बस एडिट करना है, और वो दोनों मल्टीप्लेयर वाले होंगे। यार आवाज़ में ग्लिच हो रहा है, इसलिए बार बार आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, और कती सर दर्द होने लग चुका है। मतलब एक बार आवाज़ रिकॉर्ड करो, ग्लिच कुछ वर्ड्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, और मतलब पता नहीं, तो मतलब इसलिए मैं वापस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ये बोल रहा था कि episode 4 में आपको पूरा घर तैयार होके दिखे दिख जाएगा, episode 5 में एक पास में टावर होंगे जिस पर रेड वेड होगी, कुछ भी करना होगा अटैक वटैक, तब हम उधर जाके फाइट करेंगे, मैं और एक और बंदा जो episode 4 और 5 में दिखेगा। और ये मैं डबल बार बोल रहा हूँ, मतलब दूसरी बार बोल रहा हूँ यार। अब ग्लिच हुआ तो मेरे को नहीं पता भाई, सेंड कर लेना यार, मेरे से नहीं होता बार बार। ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, तो आज की वीडियो थी यही तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।